मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 19 वर्षीय अनीता नूरपुर के एक छोटे से गांव कुखेड़ की रहने वाली है। अनीता जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग में राज्य स्तरीय और नेशनल प्रतियोगिता में कई मेडल अपने नाम कर चुकी है और पिछले एक वर्ष से मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही है। चंडीगढ़ ट्रायल पास करने के बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। अनीता का मानना है कि बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। अपने माँ बाप और देश का नाम काफी ऊंचा कर सकती हैं। मेरे लिए जो भी किया है मेरे कोच ने किया है, यहाँ तक कि अपने पैसे लगाकर मुझे ट्रेनिंग दी है। बेटी मुझे मैं जीती तो अच्छा फील हुआ, और आगे यही है कि आगे मुझे खेलना है तो खेलने के लिए सारी फैसिलिटियाँ होनी चाहिए, क्योंकि पहले कोई भी नहीं, कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पे। सामान भी थोड़ा ही प्रोवाइड नहीं, किसी ने नहीं किया है, तो कोच ने किया है, जो भी किया है अपने पैसों से। तो अभी यही है रिक्वेस्ट कि प्रैक्टिस करनी है तो सारा सामान प्रोवाइड किया जाए। प्रशिक्षण दे रहे अमित राणा ने बताया कि जब वे नूरपुर आए थे तो यहाँ के हालात बहुत खराब लगे। लड़के और लड़कियाँ नशे और मोबाइल की लत में डूबे थे, जिन्हें अपनी फिटनेस और खेलकूद के बारे में जरा भी रुचि नहीं थी। उन्हें इस चीज से निकालने के लिए खेलों का सहारा लिया। पहले ही साल में बच्चों ने राज्य स्तरीय और नेशनल प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीते और नूरपुर का नाम प्रदेश में चमकाया। लड़कियों को बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए मिक्स मार्शल आर्ट को चुना और उनकी ट्रेनिंग दी। चंडीगढ़ ट्रायल के दौरान अनीता चैंपियनशिप के लिए चयन हो गई और 20 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान में मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश की पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनी। सीरीज है ये, यहाँ के लिए नहीं बनी कि इसके आपने बाउंस देखे हैं, जितने भी बाउंस है ये हर बाउंस नॉकआउट निकालते हैं। जहाँ तक बाकी फाइटर होते हैं वो 3 या 4 राउंड लेके जाते हैं, इसका ऐसा नहीं है। ये 2 राउंड में ही अपनी बाउंस खत्म करके इंडिविजुअली, और स्टैमिना के मामले में इधर स्टैमिना की जो भी प्रैक्टिस होती है वो बॉयज के साथ ही होती है। इसकी गर्ल्स इसके हमने कोई नहीं, जो भी गर्ल्स आई वो सारी इंजर्ड हुई, तो हमें इसको बॉयज के साथ ही खिलाना पड़ता है। जो लड़की बॉयज को हरा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तो मैंने 2 चीजें यहाँ पे कॉमन देखी थी, बॉयज नशे में लीन थे और गर्ल्स मोबाइल में लीन थी। तो फिटनेस के मामले में यहाँ पे कोई भी ये नहीं था कि फिटनेस के मामले कोई ये हो, तो मैं क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ फिटनेस पे बहुत ज्यादा गौर दिया जाता है, तो मैंने उस चीज पे इनको गौर किया कि बड़ो आप स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा करियर और पैसा है। और जहाँ तक भविष्य में हो पाएगा हम इसको और आगे बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और महाविद्यालय प्रशासन जो है वो हर कदम पर इसका हमेशा साथ देता रहेगा।